एज आई एक्सपेक्टेड कि भाई मुझे ना अभी चाय नहीं मिलने वाला, नाश्ते के बाद भाई मैं चाय पी सकता हूँ। तो हाँ, अभी नाश्ता आ चुका है अपना, आलू पूरी, आलू का सब्जी एंड टमाटो सॉस, आम का अचार, तो मस्त है भाई। Hey guys, good morning, welcome to my new vlog। एंड आज का सीटअप बहुत ही अमेजिंग सा, बहुत ही अलग सा हो रखा है। फिलहाल अभी जस्ट हो रहा है सुबह के 10:30 एंड 10:30 बजने के साथ साथ मतलब ना नाना धोना भी हो चुका है। एंड भाई साहब पता है क्या, आज ना मैं बहुत ही जल्दी आई थिंक 5:30-6 के अराउंड ही उठ गया था। एंड उसके बाद ना भाई उठने के बाद एक दो काम, वही घर के रेगुलर वाले काम, उसके बाद भाई साहब मैंने ना अपना बियर्ड ट्रिम करवा लिया, बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए थे यार। एंड हाँ, मैं ना इस बियर्ड ट्रिम में कैसा लग रहा हूँ, ऐसे कैसा लग रहा हूँ ये आप लोग कमेंट में ज़रूर बता देना। बिकॉज भाई साहब मैं बियर्ड बढ़ाता हूँ ना, घर में कहते हैं कि थोड़ा सा मतलब छोटा छोटा रख, एंड जब मैं ट्रिम करवा लेता हूँ तो भाई मेरा भाई कहता है कि थोड़ा मीडियम में ठीक रहता है। गजब फॉलोअर्स है यार मतलब। सो हाँ, कोई नहीं, फिलहाल अभी मस्त अपना नहाना धोना हो ही चुका है, तो चलते हैं यार मस्त गर्मा गर्म चाय वाय बनाते हैं, चाय वाय इन्जॉय करते हैं। एंड आई थिंक कि मैं चाय पी सकूँ भाई साहब, 10:30 है ना, तो मम्मी पहले नाश्ता करने को कहेंगे। बट हाँ चलते हैं यार, देखते हैं जो भी है, नाश्ता है या चाय, जो भी पहले मिल जाए फटाफट से निपटाते हैं। एज आई एक्सपेक्टेड कि भाई मुझे ना अभी चाय नहीं मिलने वाला, नाश्ते के बाद भाई मैं चाय पी सकता हूँ। सो हाँ, अभी नाश्ता आ चुका है अपना, आलू पूरी, आलू का सब्जी एंड टमाटो सॉस, आम का अचार, तो मस्त है भाई। सो हाँ, अभी ना मस्त गर्मा गर्म नाश्ता एंजॉय करते हैं। फिलहाल मस्त अपना नाश्ता वास्ता हो चुका है, नाश्ता वास्ता करते टाइम ना मैं बिग बॉस के एपिसोड देख रहा था कल वाला, ठीक है। भाई साहब क्या जमा के थप्पड़ मारा यार, मतलब पता है क्या, मुझे ना पता नहीं चलता है कि भाई मैं मिस कैसे कर जाता हूँ ये सारी चीज़ें लाइव में। मतलब जियो सिनेमा पर तो बिग बॉस लाइव चल रहा होता है ना, बट मतलब मेरा क्या है ना, मैं जब भी जियो सिनेमा ऐप ओपन करता हूँ ना भाई, थोड़ा सा देखता हूँ उसके बाद फिर बंद कर देता हूँ, ठीक है। एंड मेरे हिसाब से ना, मैंने अभी तक जब भी जियो सिनेमा ऐप ओपन किया है बिग बॉस के लिए, भाई कुछ ना कुछ बोरिंग चीज़ें ही चल रही होती है, इस वजह से मैं बंद कर देता हूँ। एंड ये सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें जब मतलब कभी बहस हो गया, लड़ाई हो गया, या फिर अभी वो जमा का थप्पड़ मारने वाला, तो ये आई थिंक पहली बार हुआ है। बट भाई साहब ये सारी चीज़ें मैं लाइव में मिस कर जाता हूँ यार। एंड हाँ, मैंने पता है क्या, इंस्टाग्राम पे स्टोरीज देखी ना कि भाई जमा के थप्पड़ लगा दी, मैंने बोला मैं मिस कैसे कर गया, फिर मैंने आज एपिसोड देखे तब पता चला यार वो एक अलग ही मैटर था। एंड हाँ, जियो सिनेमा पे भाई बिग बॉस देखने का ना मज़ा तो आ रहा है, बट फिर भी कोई नहीं, ऐसे थप्पड़ वप्पड़ मारना भाई रूल ब्रेक के हिसाब से, अनिल कपूर सर भी कह के गए कि भाई रूल ब्रेक है, तो हाँ कोई नहीं। फिलहाल ये सारी चीज़ों को रखते हैं साइड में, भाई बिग बॉस देखने के बाद ना चाय का क्या तलब मचा है मैं ही जानता हूँ। मैंने ना मस्त गर्मा गर्म चाय वाय भी बना लिया है, तो फटाफट से चाय इन्जॉय करते हैं, वो भी अदरक वाला। तो भाई फिलहाल अभी जो मैं चाय पी के छत पे आया ही था कि भाई साहब अपना चेक करो, मैं बैकग्राउंड में आप देख सकते हो भाई क्या अमेजिंग सा मौसम रखा है, क्या घमासान बारिश वाला मौसम रखा है। एंड भाई हवा क्या मस्त ठंडा ठंडा हवा चल रहा है, मतलब इस वाले मौसम में ना अगर आप बाइक लेके कहीं निकल जाओ घूमने ना, क्या अमेजिंग सा मतलब फील आएगा यार। एंड छत पे भी घूमने का मज़ा कुछ और ही होता है, इतना अमेजिंग सा मौसम एंड ऊपर से ठंडा ठंडा हवा। भाई कुछ देर ना अभी छत पे ही रहते हैं एंड अपना पहले सीन चेक करो, क्या अमेजिंग सा सीन होता है। एंड हाँ, जस्ट लुक एट दिस भाई, क्या मस्त सा ग्रीनरी ग्रीनरी सा मौसम हो रखा है, मतलब हरियाली वाला मौसम हो रखा है। एंड हवा एकदम ठंडा ठंडा सा चल रहा है यार, मौसम का सीन एकदम अमेजिंग सा आ रहा है, बाकी भाई मज़ा बहुत आ रहा है, पता नहीं क्यों बट मज़ा बहुत आ रहा है। एंड आप इस वाले पेड़ को चेक करो, क्या मस्त हवा में लहरा रहा है यार, एकदम अमेजिंग सा। एंड हाईवे का सीन इस वाले मौसम में भाई अमेजिंग सा ही होगा, बिकॉज हाईवे पे ना गाड़ियाँ वाड़ियाँ चलती रहती हैं, तो और भी अमेजिंग सा मौसम होगा। एंड घर के बगल में ही ना, मतलब घर के साइड में ही आप चेक करो कितने सारे गाड़ियाँ लगी हुई हैं, यहाँ पे गैरेज है ना, तो भाई बहुत सारी गाड़ियाँ बनने के लिए आई हुई हैं, क्या मस्त सा सीन आ रखा है यार। इस अमेजिंग से मौसम में ना, बारिश वाले मौसम में भाई मम्मी के ऑर्डर के हिसाब से भाई मैंने मस्त गर्मा गर्म चाय वाय बना लिया है। सो अभी ना मस्त गर्मा गर्म चाय एंड बिस्किट इन्जॉय करते हैं भाई। एंड वैसे भी पता है क्या, अभी जस्ट हो चुके हैं 4:30। फिलहाल अभी जस्ट टहलते टहलते घूमते घूमते मैं इधर घर पर आ गया था, नए वाले घर पर। एंड मैंने यहाँ क्या देखा, आप चेक करो, ये देखो भाई, ये दो बंदर लोग यहाँ बैठे हुए हैं पहले से ही। तो हाँ कोई नहीं, फिलहाल आप यहाँ का सीन चेक करो, क्या मस्त पानी वानी भरा हुआ है पूरा। एंड भाई बारिश आ रहा है तो पानी तो भरा ही रहेगा, एक चीज़ बहुत ही अच्छा हुआ यार कि भाई साहब जब से ये घर ढलाया है ना, तब से मैं कह रहा हूँ कि भाई मोटर चालू करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ा है यार, ये जो ऊपर का छत ढलाया ना, इसको पटाने के लिए मतलब इसमें पानी डालने के लिए मोटर चालू करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ा भाई, बस बारिश आ ही जा रहा है, ये भरा हुआ रह रहा है हर समय, एकदम अमेजिंग सा, बिजली का बिल बच रहा है यार। फिलहाल आज हम आई थिंक ना 2.5-3 महीने के बाद इस पीछे वाले घर के पीछे वाले रास्ते पे आए हैं। एंड भाई साहब आप ना एक बार चेक करो, हम इतना शाम को आए हैं ना कि भाई
सीन कुछ ऐसा सा रहा है, मतलब बीच में रोड एंड ऐसा लग रहा है ना दोनों तरफ पेड़ है, ये पेड़ तो है ही बट बीच में रोड एंड ऐसा लग रहा है ना आगे आगे से कोई भूत निकलने वाला है। एंड मेरे साथ बंटी भी आया घूमने एंड हाँ आज से ना 2-3 महीने पहले भी मैं बंटी के साथ ही आया था एंड आज भी बंटी के साथ ही आया हूँ। एंड भाई ये वाला नज़ारा एकदम अलग सा लग रहा है यार, एकदम अलग सा। एंड सामने में पीपल का पेड़, भाग भाई भाग। हम लोगों का मजाक मस्ती चलता रहता है। बाकी अभी ना पता है क्या, हम इस रास्ते में घूमते घूमते कुरकुरे इंजॉय कर रहे हैं, ब्रांड नहीं दिखा सकते ना भाई, पेड प्रमोशन नहीं है। फिलहाल अभी जो हो चुके हैं रात के 9 एंड भाई साहब पीछे से ना, मतलब पीछे वाले रास्ते से भाई घूम के तो कब का ही आ चुके थे, मतलब थोड़ा और पहले जाते ना घूमने तो भाई एकदम अमेजिंग सा हरियाली वाला, एकदम ग्रीनरी ग्रीनरी सा मौसम वाला ना मस्त मस्त पिक्चर क्लिक करते। बट भाई साहब हम ना थोड़ा लेट गए थे, मतलब आई थिंक 7 बजे के आसपास हम गए थे एंड थोड़ा सा अंधेरा होने की वजह से ना पूरा क्लियर मतलब पिक्चर तो हमने लिए ही नहीं, बट हाँ जो वीडियो रिकॉर्ड किया ना वो भी थोड़ा शैडो शैडो टाइप का आ गया। तो कोई नहीं, आप लोग इन्जॉय किए होंगे आई होप। बाकी अभी ना चलते हैं फटाफट से मस्त गर्मा गर्म नाश्ता, भाई ये नाश्ता का आदत छूटेगा नहीं। फटाफट से चलते हैं मस्त गर्मा गर्म डिनर विनर करते हैं एंड इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। सो आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग बहुत ही अच्छा लगा होगा, अगर ब्लॉग अच्छा लगा ना चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो यार, बाकी आपका जो मर्जी करो ना, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो ना वीडियो को लाइक कर रहे हो, मतलब कर क्या रहे हो यार आप लोग, सिर्फ वीडियो देख रहे हो और भाग जा रहे हो क्या? तो कोई नहीं, थैंक यू सो मच वॉचिंग, गुड नाइट। भाई क्या मस्त सा ग्रीनरी ग्रीनरी सा मौसम हो रखा है, मतलब हरियाली वाला मौसम हो रखा है एंड हवा एकदम ठंडा ठंडा सा चल रहा है यार। चलते हैं फटाफट से मस्त गर्मा गर्म नाश्ता, भाई ये नाश्ता का आदत छूटेगा नहीं। फटाफट से चलते हैं मस्त गर्मा गर्म डिनर विनर करते हैं।